इसका अभी जीडी क्लियर हुआ है, जोधपुरी का सेंटर क्यों रहा, बस जोधपुरी था। इस स्टूडेंट का भी क्लियर हुआ है अभी। मेडिकल कितनी तारीख को दिया था? मेडिकल वो 14 जनवरी, तुम्हारा 14 जनवरी को। इसका मेडिकल का जो डेट दिया है वो 14 जनवरी हुआ है। अच्छा, बाकी ये आपको बताएगा किस तरीके से इसका जीडी हुआ था, जिससे आप लोगों का अगर जीडी है तो उसमें आपको हेल्प मिले, पता होगा क्या क्या कर सकते हैं बच्चे। फ्रेंड्स, मेरा कल जीडी था, उसमें ब्लू व्हेल गेम आया था टॉपिक, तो सबको एक सबको बारी बारी से बिठा के एक बार टॉपिक ऊपर बुलाया और सबने बोल दिया लगभग, इसलिए सबने बोल दिया था, इसलिए वापस किया वो उनका जीडी वापस हुआ था। ओके, फिर क्या चेक किया, सबसे बेस्ट किसने बोला? सबने बेस्ट बोला, इसलिए पूरे ग्रुप को ले लिया था। अच्छा, उसके अलावा दौड़ का क्या रहा? दौड़ 1600 मीटर, वही डेढ़ मिनट 1.6 मीटर। अच्छा, 6.5 मीटर और कंप्लीट 7 मिनट दे रहे हैं यहाँ पे जो 7 मिनट। जंप वगैरह का क्या? जंप नहीं, वो डिप्स थी, वो पुशअप्स। ओके, वो कर दिए। अच्छा, और जीडी के लिए आप ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या आप एडवाइस करेंगे बाकी बच्चों को? आपको यहाँ से कितनी हेल्प मिली, क्या रहा, आपने जो प्रैक्टिस की थी वो आपके लिए हेल्पफुल रही, इंट्रोडक्शन कैसा हुआ? दोस्तों, मैंने यहाँ से ग्रेड अप से कोचिंग की है, तो यहाँ पे मैम ने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हमें, इससे हमें बहुत बेनिफिट मिला। इंट्रोडक्शन कैसा रहा, कितने मिनट का बुलवा रहे थे? इंट्रोडक्शन में तो बस खुद का नाम और फादर का नाम और क्वालिफिकेशन, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछ रहे थे। ओके, कितने मिनट का देना था इंट्रोडक्शन? 30 सेकंड। और उनके क्या क्या लाइन्स होंगी? वैसे तुमने पूरा डिटेल में बोला था या सब की उन्होंने पहले से डिटेल में बोलने नहीं देते, वहाँ पर रोक लेते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे पूरा नहीं बोलने देते, कुछ नहीं बोलने, बस आपने बोले स्टार्ट किया, अब आप कह देते थैंक्स। ओके, अगले बोलने वाले और साइको में 5 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, तीन बुलेट रिलेशन के। अच्छा, और एक सीरीज का पूछा गया था, एक डिकोडिंग पढ़ने पूछा गया, तुमने बाकी सारे अच्छे से कर दिए। ठीक है, तो बाकी बच्चों को क्या करना चाहिए आपके अनुसार, मतलब किस तरीके से जीडी में क्या उनको करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, किस तरीके से? कंटिन्यू बोलते रहो बस, वो कहता है ना, जैसे कहते हैं कंटिन्यू बोलते हैं, जो रुक गया वो बाहर है। बाहर, जैसे कि आपको वर्कआउट आपने किया था कि आपको बोलना है, बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है। अगर ज़्यादा सोच रहे हो तो फिर वहीं आप सोचोगे तो डेफिनेट रुकोगे। तो जैसा आपने क्लास में वर्कआउट किया था कि किसी भी बच्चे को रुकना नहीं है, बोलना है और ज़्यादा सोचना नहीं है ना, और लाइन्स को ट्रांसलेट नहीं करना है, थ्रू आउट आप बोलने की कोशिश कीजिए। और हिंदी भी बोल सकते हैं, 2-3 वर्ड बोल सकते हैं, उन्होंने पहले कह दिया। अच्छा, कह दिया था बीच में कि आप हिंदी के बोल सकते हैं, 2-3 वर्ड यूज कर सकते हैं ज्यादा नहीं, बाकी तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, और ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप सभी लोग अच्छे से दीजिएगा, जिनका भी जीडी है अभी, जैसा सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं आप लोगों को, रुकना नहीं है, थ्रू आउट आपको बोलना है। पहले आपको जो भी टॉपिक दिया है उसके लिए आपको कितनी लाइंस दी थी? 10-15 टेन लाइंस देंगे, वो आपको पहले पढ़नी है, उसके बाद उसको समझ के आप उन लाइंस में से कुछ याद कीजिए, प्लस अपने माइंड से भी थोड़ा सा आप लाइंस बोलने की कोशिश करें, रुके ना आप, कुछ लाइंस उसकी बोलें, कुछ अपनी भी बोलें माइंड से, जिससे आपका बहुत अच्छा जीत जाए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।